रियूनियन आइस में सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष जो है सुनील कुमार जी हैं, जिनका जो है 64वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट कल आया है उसमें सिलेक्शन हुआ है। रियूनियन परिवार की तरफ से सुनील कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं और हम लोगों की शुभकामना है कि सुनील कुमार जी जो है केवल यहीं न रुकें बल्कि और उच्च पदों पर जाएं। और हम लोग की शुभकामना है कि अभी इनको आईएएस भी देना है तो इनका आईएएस में भी सिलेक्शन हो, आईएफएस में भी सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है हम लोग जो है ये भी चाहते हैं कि सुनील कुमार जी जो है चूँकि हम लोग के संस्थान में पढ़े हैं और आप लोगों को ये भी मार्गदर्शन करें कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और चूँकि आप लोगों की परीक्षाएँ भी हैं भविष्य में तो उन परीक्षाओं के संदर्भ में भी जो है हम चाहेंगे कि आप लोगों को एक मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। मेरा 64वीं बीपीएससी में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है और मैं अपने अनुभवों को साझा करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। और मुझे सर ने यह सौभाग्य दिया है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ने मुझे हर स्तर पर सहयोग दिया है, हर स्तर पर मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया है, हर स्तर पर मेरे जो मतलब कि परिस्थितियां थी सभी परिस्थितियों में इन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं जब भी सर जब भी मुझे ज़रूरत होती थी सर को मैं कॉल कर लेता था, सर हमेशा रिस्पॉन्स करते थे। पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर माध्यम पर हर स्तर पर इन्होंने मेरा मतलब कि उत्साह बढ़ाया है। और ख़ास करके इंटरव्यू के समय में जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे तो मैं हमेशा सर के संपर्क में रहा था और हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। और इन्हीं का मतलब सहयोग है, इन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर ने जो भी मुझे बताया है पॉलिटी के रूप में, पॉलिटी जब भी इन्होंने पढ़ाया मुझे तो उसका एक मतलब फिगर, एक जो विजुअल डायग्राम है वो दिमाग में आ गया है। और मतलब ये कहीं भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। और ये हमेशा समस्या आती है कि कभी मतलब लोग उलझ जाते हैं कि क्या करना है, यहाँ पर नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो इन सब मामलों में सर का सहयोग हमेशा ही सराहनीय रहा, मतलब हमेशा सर ने हर स्तर पर सहयोग किया है इस मामले में। और मैं अभी तो इतना ही कहूँगा, बाकी बाद में और भी बातें होंगी। सर अगर मतलब चाहेंगे तो फिर से एक बार आ करके मैं अपने अनुभवों को साझा करूँगा। धन्यवाद सबका। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।